R3 की डिटेल सबसे पहले हमारे चैनल पे पता चलनी चाहिए। ये चेक करो, यही वाला पार्ट है, हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई टकराता है। तो आपको ये बैटरी ना फूल के चिपक गई अंदर, असली नोट है। अगर इसमें भी नहीं विश्वास है तो मेरे घर आके देख लियो भाई, यहाँ से गांधी जी दिखा दूंगा तेरे। सो अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है भाई, मैं R3 लूं या Duke 390 लूं। ये चेक करो गाइज, ये चेक करो, फिर से किसी ने मेरे Ducati विंग्स के ऊपर धक्का मार दिया और मेरी बाइक से ये फिर गिर गया। मतलब हर बार का है गाइज, ये लगभग मैं चौथी या पांचवी बार लगवा रहा हूँ। अब से मैं क्या करूंगा ना, अपनी R15 को भाई दूसरे साइड कर दूंगा ताकि लोग टकराए ना। पता नहीं यार, लोगों को दिखता ही नहीं यार, जब जाते है क्या लौड़े तो उस साइड से टकरा के मेरा एक विंग्स गिरा देता। और तो किस्मत मेरी अच्छी है कि हर बार मुझे मिल जाता है, अगर ये कचड़े में फेंका जाता ना तो हो जाता भाई, कांड हो जाता मेरे साथ। एंड आप लोगों को वेलकम करना तो मैं भूल ही गया। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड आज के व्लॉग की शुरुआत भाई बहुत ही भयानक होने वाली है। फिलहाल अभी बज रहे गाइस शाम के 5, एंड हमेशा मैं शाम को ही व्लॉग स्टार्ट करता हूँ बिकॉज गर्मी इतनी ज्यादा होती है ना कि मेरे को मन नहीं करता। एंड पिछले व्लॉग में तो गाइज आप लोगों ने तबाही मचा दिया, मतलब कि भाई मैं मान गया भाई KTM फैन बॉयज को, मैं मान गया Duke 390 के भाई इतने फैन बॉयज है। वीडियो पे भी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिला और कमेंट सेक्शन में तो भाई आप लोगों ने Duke 390 इतना किया कि कोई चाह भी रहा होगा ना कि यहाँ R3 कमेंट कर दे तो वो कमेंट नहीं कर पाया होगा। ऑब्वियसली भाई मैंने KTM का डाला था, सो KTM फैन बॉयज ही आएंगे वहां पे, यमा फैन बॉयज नहीं आएंगे। बट मुझे इंस्टाग्राम पे गाइज बार बार लोग यही कह रहे हैं, भाई आप ड्यूक क्यों ले रहे हो, आप फेयर्ड बाइक लो, आप फेयर्ड बाइक अच्छी लगती है, नेकेड बाइक अच्छी नहीं लगेगी। आपका आदेश सर आंखों पर, आप लोग जो बोलोगे वही होगा। इस वाले वीडियो में मैं R3 का भाई पता करने जाता हूँ क्योंकि इतने ज्यादा मुझे DM आए इसलिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैंने पोल डाला था कि Duke 390 या यमा R3, तो ज्यादा पोल भाई यमा R3 लगभग 59-60% R3 को आया था। तो मैं सोच रहा हूँ R3 का भी डिटेल ले देता हूँ कि कितने प्राइसिंग में आने वाली है और कब आने वाली है। R3 का लुक तो मुझे पसंद है, अगर वहां पे सामने कोई लगी होगी वेयर हाउस में अगर, तो आज ही अपनी R3 बुक कर देंगे गाइज। देखो लुक वाइज तो भाई मुझे R3 ज्यादा पसंद आ रही है, उसका जो ब्लैक कलर है ना भाई वो मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। बट Duke 390 भाई कुछ कम नहीं है, R3 का नया कलर पर्पल आ रहा है बट मुझे भाई ब्लैक ही पसंद है। आप लोगों भी कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दे दो और Duke 390 में जो नया वाला कलर है मैं वही चूज करूंगा। सो अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है भाई, मैं R3 लूं या Duke 390 लूं। सो अभी मैंने आज पता कर लिया जो सबसे अच्छा शोरूम है यमहा का, हम लोग वहां पे जा रहे हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक कांड दिखा देता हूँ गाइज कि पिछले व्लॉग में जब मैं शूट कर रहा था ना, ये फोकस क्यों नहीं कर रहा, हाँ फोकस कर गया। सो ये जो मेरा GoPro Hero 9 है ना, इसकी बैटरी गाइज निकल नहीं रही थी, ठीक है। फिर मैंने ना थोड़ी सी कोशिश की कि इसकी बैटरी को निकालते हैं, देखो क्या हो गया गाइज, ये देखो इसका ये लॉक निकल गया बट बैटरी वहीं की वहीं रहेगी। अब ये बैटरी गाइज निकल नहीं रही है और जब तक इसकी बैटरी गाइज नहीं लगेगी तब तक भाई मोटो ब्लॉग नहीं हो सकता है। सो अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे गाइज पटेल नगर, वहां पे एक मार्शल का सर्विस सेंटर है, वहां पे GoPro की रिपेयरिंग होती है। सो आपको नेक्स्ट ट्रिप में वही दिखेगा। सो अभी फटाफट से हम लोग निकलते हैं गाइस पटेल नगर, उसके बाद दूसरी वाली बैटरी मेरी चार्ज है तो जैसे ही इसको ये निकाल देंगे सो मैं इसमें न्यू बैटरी लगाऊंगा और उसके बाद ही हम लोग जाएंगे गाइस अपनी R3 की बुकिंग करवाने। एंड आप लोग तो ये जानते हो कि जहां भाई प्यार बढ़ता है वहां हेटर्स तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो मुझे भाई DM पे बहुत सारे लोगों का आ रहा था कि नकली नोट लगा के बेवकूफ मत बना। तो भाई देख, उन लोगों के लिए मुझे फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, असली नोट है। अगर इसमें भी नहीं विश्वास है तो मेरे घर आके देख लियो भाई, यहाँ से गांधी जी दिखा दूंगा तेरे को, ठीक है। मुझे ये सब दिखाने की जरूरत नहीं अपनी जनता को, जो गबरू की जनता वो भरोसा करती है। RS को ओनली वन इन इंडिया बोला तो ओनली वन इन इंडिया बना दिया, R15M को ओनली वन इन इंडिया बोला तो खरीद के उसको भी बना दिया। अगर अब कह रहा हूं ना कि Duke 390 या R3 लेके आऊंगा तो लेके आऊंगा, तो बेवकूफों अपना मुंह कहीं और मारो जहां पे तुम्हारी बात चले, ठीक है, यहाँ तुम्हारी दाल निकलने वाली। सो इन गधों को छोड़ के अभी यहाँ से फटाफट से अपना हेलमेट लेके निकलते हैं, अपनी ब्लैक पैंथर को लेके जाते हैं। ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, यही वाला पार्ट है, हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई टकराता है और मेरा भाई ये इसका कबाड़ा हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिस दिन लगाया था ना उस दिन का वैसे ही है, पर यहाँ पे ना हमेशा ये कोई ना कोई टकरा देता है। 3M की ओरिजिनल टेप है, 3M की ओरिजिनल टेप है गाइस, उसके बाद भी ये हाल है।
मेन है मैं गाड़ी यहाँ पे लगाता हूँ ना, यहाँ पे, तो लोग जब चढ़ के जाते हैं ना तो टकरा जाते हैं वहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, अपनी RS को इधर कर दूंगा और अपनी R15 को इधर कर दूंगा। और फ्रेम को जज मत करना गाइस कि बहुत गंदी है या वो कैसे रखी हुई है इतनी अच्छी बाइक है। बाइक एकदम सेफ है, एकदम मस्त कंडीशन में है। आप जानते हो मैं अपनी बाइक को कुछ होने नहीं दे सकता। अभी निकाली, अभी आई स्वेयर मैंने इसको पोछा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसकी शाइन देख सकते हो, एकदम मस्त लगती है ये। और आने वाले कुछ टाइम में जब ये वाला फ्रेम हट के गाइस R3 या यहाँ पे Duke 390 होगी ना, मज़ा आ जाएगा भाई। बस मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब Duke 390 या R3 भाई ऐसी मेरे सामने हो और उसको लेके हम लोग गाइस रोड ट्रिप पे निकले। सो अभी मैंने इस पे 3M की टेप लगा दी है और फटाफट से इसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद निकलते हैं गाइस GoPro के सर्विस सेंटर। This is how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, I stay on the go. I can play with the pros and act like a rookie so they overlook me. They not double up again under their nose. None of them cold. They just got lucky but never adapted. So I'm telling the one if it's coming. इतने मुशक्कत और इतने जाम के बाद गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं भाई GoPro के सर्विस सेंटर। बट जैसे यहां पे पहुंचा भाई 4 मिनट पहले स्टोर क्लोज हो गया था। बट जितने भी भाई लोग थे उन्होंने हेल्प कर दी। एक्चुअली सीन ये हुआ है गाइस कि ये जो बैटरी है ना, ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये बैटरी ना फूल के चिपक गई अंदर। जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ बैटरी ऑलरेडी फूली हुई थी, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, बैटरी फूली हुई थी। उसके बाद मैं इसको यूज़ कर रहा था, वो गर्म होके अंदर ही चिपक गई है। अब उसको कह रहे हैं कि इसके ऊपर क्लिप लगा के या धागा लगा के, एक मिनट फोकस कर ले यार, इस पर क्लिप लगा के या धागा लगा के इसको खींचना पड़ेगा। जब इसको हम लोग खींचेंगे उसके बाद ये बैटरी निकलेगी, उसके बाद मुझे न्यू बैटरी खरीदनी होगी तभी ये काम करेगा। ये बैटरी भी अब डेड हो चुकी है, जितना मर्जी मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ ये चार्ज भी नहीं ले रहा है। तो अब अपनी बाइक निकालते हैं, अब घर जाते हैं। जब इसको निकालेंगे, आज तो भाई हम शोरूम जा नहीं सकते हैं, पर कोई बात नहीं, अभी इसका सॉल्यूशन आज ही निकालेंगे क्योंकि भाई मोटो ब्लॉग तो बहुत ज़रूरी है। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल सही, लेकिन यामाहा शोरूम जाएंगे ज़रूर। So hey guys, good morning and welcome back to the next day but on the same vlog. And फिलहाल का गाइस सीन ये है कि यामाहा के शोरूम में मैंने कॉल कर दिया है एंड उन्होंने बोला कि हमारे पास जो भी डिटेल्स सारी EMI डाउन पेमेंट जो भी होगी सब आपको शोरूम में बता देंगे। सो उस चीज से पहले GoPro को ठीक करते हैं, उसके बाद हम लोग गाइस जाएंगे यामाहा के शोरूम। थोड़ा सा फ्लिकरिंग करा होगा बट मैनेज कर लेना। हे भगवान, जय श्री राम, खुल जाए बस। नहीं खुल रहा भाई, निकल गया गाइस, निकल गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें फेविक्विक लगा तो दिए मैंने, अब बैटरी भाई चार्ज करूँ और उड़ ना जाए, मतलब कैमरा ही उड़ गया तो, या मोटो ब्लॉग में चलते चलते कैमरा डेड हो गया तो। सो अभी मैं इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता। हमारे ना दिल्ली में गाइस G20 हो रहा है एंड G20 के चक्कर में भाई इतना सा भी धूल मिट्टी नहीं है भाई। दिल्ली पूरे देश में बदनाम है गाइस पॉल्यूशन को लेके, बट इतनी सी भी मिट्टी नहीं है। इससे ये समझ में आता है गाइस, अगर नेता अपने ढंग से काम करे ना तो दिल्ली भी भाई बहुत अच्छी बन सकती है। एंड कल रात आते वक्त भाई इतना अच्छा सा लग रहा था, इतनी सी भी धूल मिट्टी नहीं, और क्या सजा रखा है भाई दिल्ली वालों ने, भाई इतनी सुंदर लग रही थी ना दिल्ली। अगर कैमरा ऑन होता ना, अगर GoPro ऑन होता ना गाइस, तो मजा ही आ जाता। बट कोई बात नहीं, अब तो आपको मोटो ब्लॉग दिख ही रहा है। एंड भाई सिनेमैटिक कैसे लगे ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड दो गुड न्यूज और आने वाली है गाइस, दो गुड न्यूज तो मैंने पहले बता दी, दो गुड न्यूज और आने वाली है, बस थोड़े दिन का इंतजार करो। इस महीने ऐसा बॉम्ब फोड़ेंगे ना कि आप लोग बोलोगे भाई क्या तबाही कॉन्टेंट बना रहा है। एंड दो आज है गाइस 5 सितंबर, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। एंड दो दिन बाद जो भी बाइक इंथुजियास्ट को पता है क्या होने वाला है या क्या आने वाला है, एंड वो भी मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, 7 सितंबर को क्या होने वाला है मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में। जिनको भी पता होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो वो भी सरप्राइज जल्दी आने वाला है। फिलहाल के लिए ये वाला वीडियो गाइस बहुत लंबा हो गया, ये वाला वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। जो भी होगा कमेंट सेक्शन में बता देना Duke 390 या R3। और अभी मैं नेक्स्ट व्लॉग की भी शुरुआत करूंगा, अभी जाऊंगा नहाने, फ्रेश होऊंगा, नेक्स्ट व्लॉग की शुरुआत करूंगा क्योंकि अभी आने वाला गाइस G20 दो दिन बाद, उसके बाद भाई दिल्ली में निकलना, वो भी बाइक लेके, वो भी एग्जॉस्ट के साथ, मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना है।
सो अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, रेडी होने। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप सभी को गाइस मेरा सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते, जिंदगी जियो हंसते हंसते।